So, दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन से आप 100 या 200 या $150 डेली के अर्न कर सकते हैं, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। और ये मैंने किया है, ये मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा इसी वीडियो में कि ये कितना ज्यादा इजी है। बट उससे पहले हमें लिंक्डइन का थोड़ा सा गेम समझना पड़ेगा, फॉर्मेट समझना पड़ेगा, वहां की लोगों की फिजिकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि वो सोचते कैसे हैं भाई। क्योंकि देखो क्या होता है, और लिंक्डइन में बहुत ज्यादा लोग प्रोफेशनल है, बहुत ज्यादा, अगर रियलिटी में वो हो भी ना उतने, बट वहां पर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। अब जैसे कि क्या होता है, इंस्टाग्राम पे लोग अपने फोटोज में मतलब ऐसा दिखाते हैं, दे आर सो हैप्पी, दे आर सो रिच, राइट, बट वो फोटोज में दिखा पाते हैं। बट लिंक्डइन में वो फोटोज लिख कर और बात भी और पोस्ट ऐसा मतलब कॉन्टेंट ऐसा क्रिएट करते हैं जैसे आपको लगेगा यस दे आर रियली रिच। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं कि कोई रियल रिच हो या ना हो, या मैं किसी को प्री जज नहीं कर रहा हूं। मैं एक चीज बता रहा हूं जो फॉर्मेट चल रहा है सोशल मीडिया पे, राइट, एंड हमें प्री जज किसी को भी नहीं करना है। जस्ट आई एम सेइंग कि लिंक्डइन पे लोगों का पहनावा ऐसा है, पहनावा इट्स नॉट मीन ओनली ड्रेस, राइट, इट्स मीन कि वो कैसा लिखते हैं, कैसा कॉन्टेंट बनाते हैं, कैसी सराउंडिंग अपनी तरफ बनाते हैं, वो सब प्रोफेशनल रहता है, जिससे लगता है कि दे डोंट नीड एनी मनी बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिच। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेट क्या है लिंक्डइन का और कैसे आप उससे काफी इजी पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, किसी को किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अलग अलग सोशल मीडिया पे, वैसा लिंक्डइन पे नहीं होता। जैसे कि आप मेक मनी सॉफ्टवेयर्स, मेक मनी प्लान्स या कोर्सेस फेसबुक पे सेल करते हैं, वैसे आप लिंक्डइन पे नहीं कर सकते। बिकॉज वही चीज है कि जो मैंने बताया कि वहां के लोगों का तरीका अलग है, फॉर्मेट अलग है, उसमें एक एटीट्यूड है। अगर हम हैं तो मतलब हम हैं, वो वाला एक एटीट्यूड है, राइट। और अगर वही आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो यस, इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा फेकिज्म है, लेकिन वहां क्या होता है, आप फोटोज की कभी कभी क्लिक करके ही फेकिज्म दिखा सकते हैं एंड लाइक थोड़ा हैप्पी दिखा सकते हैं। बट यहाँ नेक्स्ट लेवल है, हो सकता है लोग बहुत ज्यादा रिच ऑलरेडी हो, बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दिखाते हैं कि हम रिच हैं, राइट, तो वो चीज अलग बात है। प्री जज मैं नहीं कर रहा हूं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मैं प्री जज करने लग रहा हूं, ये है वो है, नो आई डोंट जज एनीवन, जस्ट आई एम सेइंग कि वो फॉर्मेट ऐसा यूज करते हैं कि आप उनको पहचान नहीं पाओगे कि सेल करना है इनको या नहीं करना है, कि या ये मेरे प्रोडक्ट के लिए बने हुए हैं या नहीं है। अगर आपको इस पर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो मैं लेट मी शो समथिंग। मैं अपने मोबाइल में जाता हूँ, लिंक्डइन में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये लोग कैसे होते हैं, मतलब, और दिखाता हूँ कि वहां का फॉर्मेट क्या है, राइट, ऑलरेडी। सो इफ आई गो इन टू द लिंक्डइन एंड चेक अबाउट एनीवन, राइट, एंड फिर से बोल रहा हूँ, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, राइट, here everyone is the founder of something, you can see here, right, you can see here, and if I go below and wanna tell you, see, everyone have a good dress, good headlines and founder, right, to jitne bhi aap agar aap profiles check karoge LinkedIn pe jaake, sab aapko almost aise hi milenge, yes, ho sakta hai wo log ho, बट वहां पर जो जॉब सीकर्स रहते हैं, जिनको जॉब चाहिए होता है, वो भी ये चीज लिख कर रखते हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे कंप्यूटर में आओ तो मैं समझाता हूँ कि आपको करना क्या है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे अर्न करने के लिए, राइट, सो कम हियर। सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क यू हैव टू डू कि आपको पहले दिन से 50 कनेक्शन इन अ डे सेंड करना है। कितना? 50 कनेक्शन इन अ डे। जैसे कि YouTube पे सब्सक्राइबर होते हैं, ठीक है, Instagram पे फॉलोअर होते हैं, तो यहाँ पर कनेक्शंस होते हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको पता नहीं है LinkedIn के बारे में स्टिल। इफ यू डोंट हैव आईडी, सो मेक आईडी ऑन LinkedIn एंड कनेक्ट मी मस्ट, दिस इज माय हैंडल देयर, एंड यू कैन सी कि LinkedIn का ऐसा कुछ आउटलुक होता है, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर आपको दिखाता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, एंड दिस इज योर नेम, एंड देन आप कॉन्टेंट पुट करते हो वहां पर, राइट। आई एम नॉट गोइंग इन टू द कॉन्टेंट्स, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ओवरऑल की ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर चलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कनेक्शन भेजने के लिए माई नेटवर्क में जाना होगा, और माई नेटवर्क में जाने के बाद वहां पर आपको कुछ सजेशन मिलेंगे, जैसे कि आपको फेसबुक में मिलते हैं, सेम वैसे ही आपको सजेशन मिलेंगे, राइट।
यहाँ पर आई हैव मोर देन 3000 प्लस कनेक्शंस एंड यू कैन सी लिंक्डइन स्टार्टेड गिविंग मी कनेक्शंस राइट। सो यहाँ से मैं किसी को भी कनेक्ट कर सकता हूँ जो मेरे नीश के अकॉर्डिंग है। लाइक अगर मुझे क्या सेल करना है, मुझे सेल करना है सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अभी, आपको लिंक्डइन में सॉफ्टवेयर ही सेल करना है। व्हाई? क्योंकि देखो वहां पर मेक मनी ऑनलाइन का जो अगर आप प्रमोट करोगे कोई भी कोर्सेस या कोई भी सॉफ्टवेयर, तो वो लोग परचेस नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैव एटीट्यूड, राइट? एक पहले से उनका मतलब एक ऐसा एटीट्यूड है कि भाई हम ये सब सारी चीजें देखते भी नहीं है। दे आर लर्नर्स, दे आर फोकसली लर्नर्स, राइट? तो वो लर्न करना पसंद करते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको वही चीज देना है जो वो ऑलरेडी पसंद करते हैं। जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं खिलाना है, वही खिलाना है जो ऑलरेडी वो चाहते हैं, राइट? अब आगे देखो। सो गाइज नाउ यू कैन जस्ट सेंड कनेक्शन। लाइक अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये मान लो सीनियर मार्केटिंग, ठीक है, तो मैं इसको एक कनेक्शन भेज दिया। अब ये कनेक्शन जब एक्सेप्ट कर लेगी सो वो मुझसे कनेक्ट कर लेगी, ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो सो अब मान लो हमें क्या सेल करना है, हमें सेल करना है प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल सॉफ्टवेयर। तो मैंने जो इससे अर्निंग करना स्टार्ट किया था वो मैंने सेल किया था बिल्डरल। बिल्डरल एक सॉफ्टवेयर है जो $1 का आप एज अ टेस्टिंग ले सकते हो, मतलब कि आप उसको टेस्ट कर सकते हो $1 में, ठीक है, उसका एक फनल है। तो मैंने उसको बेचना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले तो लोगों को पहचाना कि भाई लोग ऐसे यहाँ पे देखते हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि उनका एटीट्यूड इस टाइप का है। सो दे डोंट वॉन्ट मेक मनी थिंग्स और जस्ट कोर्सेस, दे वॉन्ट कि उनको कुछ मिले जिससे वो लर्निंग भी करें, जिससे वो अर्निंग भी करें। बट कभी भी उनको ऐसा बोल के पिच नहीं करना है कि आप इससे बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो, अदरवाइज वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, बिकॉज दे हैव एटीट्यूड, राइट? सो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले डेली 50 कनेक्शन इन अ डे सेंड करने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, राइट? उसके बाद ये अभी आप तैयार कर रहे हो अपने बिजनेस स्ट्रक्चर फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट पुटिंग कंटेंट। अब देखो कंटेंट के दो तरीके हैं। देखो पहला तरीका ये है कि अगर भाई आपके पास बहुत पैसे हैं सो आप दूसरे से कंटेंट बनवा लो, बिकॉज आपको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर कंटेंट कैसे बनाएंगे, राइट? या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हो तो आप दूसरे से कंटेंट बना दो भाई पैसे देके। और अगर आपको समझ है कि कंटेंट कैसे बनाते हैं सो स्टार्ट गिविंग योर टाइम, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। ओके, अगर पैसे हैं तो जस्ट पुट यूर मनी एंड ले लो, कंटेंट ले लो, वो बहुत तेजी से आपको पुश करेगा आगे बढ़ने में, अगर पैसे हैं तो। नहीं है तो टाइम दो, ठीक है। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो, लोगों को कॉपी कॉपी। इट्स मीन कि आप देखो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, न्यूबीज हैं वो भी, ठीक है, लेकिन कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। आप जाओ उनका कंटेंट उठाओ, थोड़ा सा एडिटिंग करो और डाल दो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर उसके भी फायदे हैं। क्या फायदे हैं दिखाता हूँ, इधर देखो। सो गाइज एक महीने पहले मैंने ये कंटेंट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि भाई ये यूट्यूब एड्स क्यों नहीं चलाते हैं कुछ बड़े मार्केटर्स के नाम थे। तो आप इसकी रीच देख सकते हो कि 40,000 के आसपास मुझे रीच मिली थी और 123 कमेंट था जिसमें बहुत बड़े बड़े मार्केटर्स का भी कमेंट था और 338 इसको लाइक किया गया था, ठीक है। तो गाइज मैं इसके बिहाफ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप जो भी कॉन्टेंट किसी का भी कॉपी करोगे और वो बंदा जो देख लेगा कि आपने भाई इसका कॉन्टेंट कॉपी किया, एडिट किया और डाला है, तो उससे क्या होगा, वो ना आपको या तो मेंशन करके कोई पोस्ट बनाएगा या आपके कमेंट पे आके कमेंट करेगा। इससे क्या होता है कि इसका एक एल्गोरिथम है लिंक्डइन का कि जितने लोगों से उसका कनेक्शन है ना, तो उसको आपके पोस्ट शो करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा, आपकी पब्लिकसिटी, एंड एवरी पब्लिकसिटी इज द गुड पब्लिकसिटी। यस गाइस, कैसी भी पब्लिक सिटी हो वो अच्छी पब्लिक सिटी आपके लिए, बिकॉज आपका रीच बढ़ रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, चाहे कैसे भी जान रहे हो, बाद में आप उनको बदल सकते हो। अगर ये स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग है तो ऐसे लोग जैसे कि आपको पता है कि दीपक कलाल और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। यस, उनकी पब्लिक सिटी गलत है बट उनको काफी अच्छा खासा बेनिफिट दे रही है। मैं नहीं बोल रहा कि आपको ऐसे पब्लिक सिटी करना है, बट ऐसे भी अगर आपकी पब्लिक सिटी होगी तो बाद में लोग आपको जानेंगे, भाई आप ये चीजें करते हो, आप सही आदमी हो, आपकी पब्लिक सिटी हो गई, फ्री में मार्केटिंग मिल गया और फ्री में बिजनेस भी। तो पब्लिक सिटी इज ऑलवेज अ गुड, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस वे में उसको लेके जाना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको वहां से भी बेनिफिट मिल जाएगा। ये आप बहुत अच्छे से यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, लेकिन सोच समझ के सही से स्ट्रेटजी बना के आपको यूज करनी है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
वो ये है कि मेक फॉर्मेट एंड स्टार्ट मैसेजिंग। जब आपका 1000 कनेक्शन हो जाता है, सिर्फ 1000, 1000 ओनली, जैसे आपका 1000 कनेक्शन हो जाता है, आपने डेली पोस्ट डालना स्टार्ट कर दिया, और ये करने में 15 दिन से ज्यादा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे आपका 1000 कनेक्शन हो जाता है, स्टार्ट डूइंग डीएम्स, लोगों को मैसेज करना स्टार्ट करो, एक फॉर्मेट बना लो और लोगों को मैसेज करना स्टार्ट करो कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिलेगा? आप जेवीजू में अकाउंट बना सकते हो, आप क्लिक बैंक में अकाउंट बना सकते हो, या तो मैंने जो सेल किया बिल्डरल, आप उसमें अकाउंट बना सकते हो। जस्ट आप वहां से प्रोडक्ट्स को उठाओ एंड स्टार्ट सेलिंग, राइट। और कुछ भी आपको नहीं करना, एक फॉर्मेट बनाओ और लोगों को मैसेज करो कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है, इससे आप वेबसाइट बना सकते हो, इससे आप ये कर सकते हो, जैसा भी आपको सॉफ्टवेयर, जस्ट वो उनको मैसेज करो, स्टार्ट करो, और लोग आपको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज दे रेडी टू लर्न, दे रेडी टू डू समथिंग डिफरेंट। बट याद रखना, दे हैव एटीट्यूड, उनको लालच मत देना कि पैसे है ये है, तो वो आपसे दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म का पूरा गेम ही अलग है। सो गाइस, देखा आपने कैसे करना है, प्लेटफॉर्म का गेम बहुत ज्यादा अलग है, थोड़ा सा समझ के खेलना, हर प्लेटफॉर्म के जैसा नहीं है। जैसे बोलते हैं तरबूजे के साथ तरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे के साथ, और जो भी आप समझ गए होंगे, तो उसके साथ वो रंग बदलता है, तो वैसे ही लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाके रंग बदल लेते हैं। तो आपको वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग कैसे वहां पर सोचते हैं, कैसे वहां पर लोग एक्शन लेते हैं, और आप अगर 15 दिन वहां पर बिताओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आई होगी, मैं काफी डीप गया, एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश की। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन जरूर प्रेस करना। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर करना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक देख रहे हो तो फेसबुक पर भी फॉलो करना। और प्लीज प्लीज अगर नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना, और इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया तो, नहीं आया तो डिसलाइक करना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।